शिमला मस्जिद विवाद में जमकर हुआ प्रदर्शन। पुलिस ने चलाई लाठियां, वाटर कैन, पुलिस सहित एक दर्जन से अधिक प्रदर्शनकारी घायल। गिरिराज ने भी मामले पर कांग्रेस पर साधा निशाना, जयराम बोले 163 लगाना गलत। विक्रमादित्य भी उतरे सरकार के बचाव में, बोले भावनाएं कानून से ऊपर नहीं। हिंदू संगठनों की आगामी रणनीति पर सरकार से लेकर जनता की लगी है नजर। नमस्कार, आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट, में हूं आपके साथ पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अवैध मस्जिद मामले को लेकर के आज विरोध प्रदर्शन किया गया और ये विरोध प्रदर्शन इतना जबरदस्त था कि 1000 के करीब पुलिस कर्मी वहां तैनात थे, लेकिन प्रदर्शनकारी मस्जिद के 50 मीटर करीब तक पहुंच गए थे। पुलिस ने व्यवस्था को बिगड़ते देख इस मामले में लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया और हालात यहां तक पहुंच गए कि डीजीपी को खुद मौके पे उतरना पड़ा और डीसी सहित अन्य लोगों को प्रदर्शनकारियों से बात करनी पड़ी। इस पूरे के पूरे प्रदर्शन में एक तरफ जहां कुछ पुलिस कर्मियों के घायल होने की सूचना मिली है, वहीं स्थानीय लोग व प्रदर्शनकारी भी 1 दर्जन के करीब घायल हो गए हैं। अब तक फिलहाल ये प्रदर्शन जो है कुछ समय के लिए थमा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये चिंगारी सुलग चुकी है और अब ये संगठन, जितने भी संगठन हैं, इनकी आगामी रणनीति क्या होगी, इस पर पुलिस प्रशासन सहित हम सब लोगों की नज़र लगी हुई है। वहीं इस मामले को लेकर के पूरे प्रदेश में भी विभिन्न जिलों में अलग अलग स्तर पर विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन कर डीसी के माध्यम से ज्ञापन सौंपे हैं और मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ साथ प्रदेश में लगातार बाहरी क्षेत्रों के लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की है। इस मांग को लेकर आज ऊना, मंडी, हमीरपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपे गए हैं। ये मामला शिमला से निकलकर धीरे धीरे पूरे प्रदेश की ओर फैलता जा रहा है। अभी पुलिस ने तय किया है कि शिमला में माहौल के तनाव को देखते हुए अभी भी धारा 163 वहां पर जारी रहेगी और किसी भी तरह के 5 से अधिक लोगों के इकट्ठे घूमने पर या किसी भी तरह के प्रदर्शन पर या स्पीकर के इस्तेमाल पर अब भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। एक तरफ जहां प्रदर्शन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी इस मामले में तेज हो गई है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सरकार को कटघरे में लाते हुए कहा कि सरकार इस मामले को संभालने में विफल रही है। कुछ लोग इस मामले को लेकर के शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन पुलिस को धारा 163 नहीं लगानी चाहिए थी, उन्हें दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए था। प्रदेश में अवैध कब्जों को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये मामला उन कब्जों के जुड़ा हुआ नहीं है, ये मामला लोगों की भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए ये बहुत संवेदनशील है, इसे अलग तरह से डील किया जाना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में प्रदेश के मंत्री, जो शहरी विकास मंत्री हैं, टीसीपी जिनके पास है, विक्रमादित्य सिंह ने भी आज शाम को इस मुद्दे पर पत्रकारों से बात की है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि इस पूरे मामले को न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही समाधान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि चाहे मस्जिद का मामला हो, चाहे अवैध तहवीजारी का मामला हो, इन दोनों मामलों पर कल विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कमेटी बनाने की बात कही है, जिसमें विपक्ष के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर से भी संबंध में बात की जाएगी, क्योंकि ये मामला हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य का है जिसकी छवि हमेशा से ही एक शांति प्रदेश के रूप में रही है। ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है, इसमें उन्होंने आह्वान किया कि हमें अपनी भावनाओं को संभालने की जरूरत है, क्योंकि आपकी भावना कुछ भी हो सकती है, लेकिन कानून से ऊपर इस प्रदेश में कुछ भी नहीं है। आइए अब सिलसिले बार बात करता हूँ कि आज पूरा दिन क्या हुआ है। आज सबसे पहले कल रात को पुलिस ने फ्लैग मार्च करके स्पष्ट कर दिया था और धारा 163 लागू कर दी थी, जिसके तहत किसी भी तरह के प्रदर्शन की अनुमति को पूरी तरह रोक दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के होते हुए भी
सुबह ही हिंदू संगठनों ने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया था और धीरे धीरे प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती गई। सबसे पहले उन्होंने जो प्रथम चरण में संजोली के पास बैरिकेड्स लगे थे उन्हें हटाया और इसके बाद वो लगातार आगे बढ़ते गए। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब पुलिस उन्हें रोकने में नाकाम नजर आई तो पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए और साथ ही में कुछ स्थानीय लोग भी इस समय घायल हुए। सबसे बड़ी परेशानी स्थानीय लोगों को हुई। स्थानीय लोगों के जहाँ कारोबार थे कुछ दुकानें बंद होनी हुई और साथ ही स्कूलों में गए हुए बच्चों को काफ़ी देर तक स्कूलों में फंसे रहने पड़ा और चारों तरफ ट्रैफिक जाम की एक भयावह स्थिति बनी हुई थी। हालांकि पुलिस व प्रशासन ने दावा किया था कि शहर में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन शहर में स्थिति सामान्य नहीं थी और स्थानीय लोगों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्या कहा स्थानीय लोगों ने। सर, हम अभी आराम से साइड में खड़े थे और ये पुलिस प्रशासन ने पीछे से धक्का दिया और हम दोनों नीचे, ये भी और मैं भी, हम दोनों नीचे गिरे हैं और मैं भी पूरी नीचे गिरी। मेरे ऊपर से लोग चले, नाक से खून निकल गया और इनके देखो पूरी टांग में और सारे में चोटें आई है। ये हम, प्रशासन हमारे साथ है, ये आज ऐसी गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये क्या क्या चक्कर है, हमारे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। प्लीज कुछ मतलब ऐसे हिमाचल में रहना कोई सेफ नहीं है हमारे लिए भी। आज इस तरह का माहौल है तो आप खुद सोच सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अभी ऐसी गुंडागर्दी ये लोग दिखा रहे, तो हम किससे बात करें? इनको हमने इतना 10 बार बोला कि हमारे, हम साइड में खड़े हैं, हमारे साथ पीछे से इतना धक्का दिया कि सारे लोग इन सीढ़ियों से नीचे बिल्कुल सारे हमारे ऊपर से निकले हैं, सारे लोग हमारे ऊपर से गुजर के गए हैं। आज मामला आगे बढ़ता देख खुद DGP मौके पर उतरे और उसके बाद पुलिस ने जो है वो प्रदर्शनकारियों से बातचीत का सिलसिला शुरू किया। बातचीत में थोड़ा सा बात बनी और ये जो टकराव था पुलिस और प्रदर्शनकारियों में ये थोड़ा सा कम हुआ और आखिर में ये प्रदर्शन शाम को ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद जो खामोशी है वो बता रही है कि मामला अभी थमा नहीं है, ये अभी शुरुआत है और अब देखते हैं कि ये संगठन आगामी रणनीति क्या बनाते हैं। लेकिन पुलिस ने इस प्रदर्शन के शुरू होने से पहले ही इस प्रदर्शन को कथित रूप से ऑर्गेनाइज करने वाली जो संस्था थी हिंदू जागरण मंच, उसके अध्यक्ष को गिरफ्तार कर दिया। आइए उन्हें गिरफ्तार करने के बाद क्या बोले हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष। हिंदुओं की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है और कमल गौतम जो है अपने हिंदू समाज के लिए जान दे देगा, लेकिन इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेगा। और ये अगर एक एक कमल गौतम को अरेस्ट किया जाता है तो आज हजारों कमल गौतम सड़कों के ऊपर उतर करके इस आंदोलन को नेतृत्व देने का काम करेंगे। आपकी डिमांड क्या है आपकी? देखिए, जो हिंदू समाज का आक्रोश है वो इस बात को लेकर के है, जो यहाँ अव्यवस्था फैली है, इस प्रकार के अवैध ढांचे जो हिमाचल में खड़े किए जा रहे हैं, जो इस्लामिक जिहाद को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमारी माताओं बहनों और बच्चियों की सुरक्षा जो है दांव पर लगी हुई है, उसके विरोध में आज पूरा समाज यहाँ खड़ा है। अब एक तरफ ये राजनीति हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ इस मामले पे बयान भी आना शुरू हो गए हैं। विपक्ष के नेता ने स्पष्ट कहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार लोगों की भावना को नहीं समझ पाई, इस मामले को सही तरीके से टैगल नहीं किया गया, सरकार को धारा 163 नहीं लगाई जानी चाहिए थी। और उन्होंने कहा कि अवैध कब्जों के अन्य मामलों की तरह इसे डील नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर। शांतिप्रिय ढंग से अपनी बात को रखें, कहीं भी कोई इस प्रकार का कोई घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए, इस बात को सुनिश्चित करें। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने जो 163 BNSS का जिक्र करते हुए लगा दी, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल इस तरह से कि लोगों की भावनाओं को दबाने का प्रयास है। 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और विभिन्न संगठनों के जो ऐसे लोग हैं जो समाज में अपनी आवाज उठाते रहते हैं, उनके घरों पर पहरा लगा दिया गया है, उनको घरों में ही रोक दिया गया है। जयराम ठाकुर के बाद
मोर्चे पर उतरे विक्रमादित्य सिंह, जिनके पास शहरी विकास विभाग भी है, उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना होगा, कोई भी भावना जो है कानून से ऊपर नहीं होती है। उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनशील है, इसीलिए पुलिस प्रशासन का पूरा प्रयास था कि ये प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्वक रहे। मुख्यमंत्री ने पहले ही इस मामले में एक कमेटी बनाने की बात विधानसभा में कही थी, अब वो कमेटी किस स्तर पर बनती है, अध्यक्ष विधानसभा के स्तर पे बनती है या सरकार के स्तर पे बनती है, इस पर चर्चा हो रही है। नेता विपक्ष को भी जो है इस मामले में कॉन्फिडेंस में लेने का प्रयास किया जाएगा। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं विक्रमादित्य सिंह। कांग्रेस पार्टी की सरकार की बात है, वी आर वेरी सेंसिटिव स्टैंड से म्यूनिसिपल कोर्ट। मैं इसमें कोई राजनीतिक रंग नहीं देना चाह रहा हूँ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से that this matter has been pending for a very long period of time. जहां तक इसमें है, according to the rule of, तो निश्चित तौर से इसको demolish किया जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा आज का मामला, लेकिन अब देखना है कि हिंदू संगठन आगामी रणनीति क्या बनाते हैं। और जिस तरह से पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है, इससे कहीं ना कहीं सरकार दबाव में नजर आ रही है। अब देखना है इस मामले में किस तरह से सरकार स्थानीय लोगों को, इसमें जितने भी पक्ष जुड़े हैं उनको और विपक्ष को अपने साथ उनका विश्वास जीतती है, और ये जो मस्जिद विवाद है इसको किस तरह से सुलझाने का प्रयास करती है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी अब कूद पड़े हैं, उन्होंने भी इस मामले में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा जो टुकड़े टुकड़े गैंग है और ये जो कांग्रेस में राहुल गांधी हैं, ये कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति करते हैं, और इसी के चलते आज देवभूमि में ये हालात हुए हैं। आइए सुनाते हैं आपको गिरिराज सिंह का ये बयान। जहाँ जहाँ हिंदू आबादी है और खाली है, वहाँ मुसलमानों को पेनिट्रेट कराओ और आने वाले दिन में इस्लामिक स्टेट घोषित करो, ये भाव लेकर के पीएफआई चलता है। आज वही कारण है कुछ देवभूमि में अवैध मस्जिद, जिसको वहां के सरकार के मंत्री ने कहा कि अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी हैं जिनको लाइसेंस दिया जाए। दूसरा ये भी गच्छे अवैध मस्जिद सरकारी जमीन पर, तब तो इसको अवैध है तो अवैध को ढा देनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये भी कहता हूं, केवल देवभूमि में ही नहीं, मैं वहां के हिंदुओं को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने विरोध प्रकट किया, कांग्रेस की सरकार इस पे चुप है। तो कुल मिलाकर के ओवैसी, गिरिराज और पूरे के पूरे प्रदेश की सियासत मस्जिद विवाद में गरमा गई है। जो प्रदेश एक समय आर्थिक स्थिति के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा था, आज चाहे पक्ष है विपक्ष, पूरी आर्थिक स्थिति, कर्मचारियों का वेतन, कर्मचारियों की पेंशन जैसे अन्य सभी मुद्दों को भूलकर अब प्रदेश में इन दिनों एक ही मुद्दे पर चर्चा हो रही है, और वो है शिमला का मस्जिद विवाद। इस मामले में क्या अपडेट होता है, हिंदू संगठनों की क्या रणनीति बनती है, सरकार इसे रोकने के लिए क्या प्रयास उठाती है, इस पर हमारी नज़र है, और जैसे कोई अपडेट आता है फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक देखते रहिए समाचार फास्ट टू द पॉइंट। We'll be right back.